जैन धर्म अहिंसा की प्रधानता से चलता है, बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, इस्लाम में यकीन की प्रधानता है और ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है। लेकिन ये सनातन धर्म जो है इसमें हित की प्रधानता है, इसमें यकीन माना श्रद्धा भी है, अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य भी है और इसमें प्रार्थना सेवा भी है। और इसमें एक विशेषता यह भी है कि जो मानवी जहाँ है वहाँ से उसके उद्धार का रास्ता वो ले सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में दुनिया के 600 वक्ता आए थे। 100 वर्ष पहले जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट था उसमें विवेकानंद पधारे थे, 5 मिनट उनको बोलने के लिए दिया था। बाद में भारतीय संस्कृति की गरिमा सुनते सुनते वे लोग इतने तो प्रभावित हुए कि टाइम बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा तक लगातार विवेकानंद को उन्होंने एक सत्र में सुना, फिर दूसरे दिन सुना होगा। इस बार भी अपना सत्संग हुआ तो 55 मिनट रखे अपने लिए, 1.25 घंटा तक बढ़ गया। दूसरी बार उन्होंने 1.25 घंटा रखा तो 1.25 घंटे बढ़ गए, 1.25 घंटे तक प्रवचन चला। दलाई लामा भी थे, उनका भी 1.25 घंटा था, मेरा भी 1.25 घंटा था, फिर 1.25 घंटे तक प्रवचन चला। तो वहाँ कुप्रचार ये किया जाता है कि वॉट इज इंडियन स्पिरिचुअल, देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं, गॉड कृष्णा, गॉड रामा और गणपति, एलिफेंट हेड इज गॉड, नथिंग। इस प्रकार भ्रामक विचार पैदा करके लोगों को गुमराह करने की बात होती रहती है वहां। तो मैंने बताया कि कपड़े की दुकान पे आप केवल 2 गज कपड़ा लेने जाते तो एक ही थान बताए तो आप तुरंत 2 गज कपड़ा नहीं लेते। आपका मन वैरायटी पसंद करता है, वैरायटी प्रिय है। आप कुटुंब के लोग सब के सब एक जैसा रंग नहीं पहनते। भाई के ड्रेस में कोई रंग है तो बहन के वस्त्रों में ड्रेस में कोई रंग है। हमारा मन वैरायटी पसंद है, हमारा मन बहुआयामी है। सब्जी और रोटी खाकर हमारा पेट भर सकता है लेकिन हर रोज हम वही की वही सब्जी नहीं खाते और वैसी की वैसी रोटी नहीं खाते। कभी भाखरी खाते तो कभी पूड़ी खाते, कभी हलवा खाते तो कभी दाल भात खाते, तो कभी लाडू खाते हैं, तो कभी सीरा खाते हैं, तो कभी मालपुआ खाते हैं। पेट तो भर जाता है रोटी सब्जी से लेकिन वैरायटी हमारे मन की मांग है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक ही रंग की कारें, अमेरिका के लोग बैठ एक ही रंग की कारों में बैठकर अपनी अपनी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन बाप की कार का अलग रंग तो बेटे की कार का अलग रंग और माँ की या बहन की कार का अलग 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 कलर क्यों? तो इससे मानना पड़ता है कि हमारा मन वैरायटी पसंद करता है, बहुआयामी। अपनी अपनी जगह पर सब धर्म पंथ को हम थैंक्स करते, धन्यवाद करते, लेकिन जिस धर्म में व्यवस्था वैरायटी की व्यवस्था नहीं है, अखंडानंद सरस्वती कहते थे वो वैरायटी जगत में कंगाल है। जयराम जी की, हमारे भारतीय धर्म में वैरायटी है। कभी जन्माष्टमी के 2 दिन पहले रांधण छठ आई, माइयों ने रांधा, भारत के ऋषियों ने कितनी दिव्य दृष्टि से सोचा होगा। इतवार के दिन ऑफिस से बंद होती है, गुरुवार या बुधवार को दुकान बंद होते हैं, हड़ताल या कुछ कर्फ्यू लगता है तो 2-2 दिन भाइयों को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन माइयों के रसोई घर को कौन से दिन छुट्टी मिली? इतवार को भी रसोई घर चालू तो गुरुवार को भी चालू, मंगलवार को भी चालू, बोले एकादशी, बोले एकादशी के दिन भी फलाहार तो रसोई घर में बनाते करते। तो ऋषियों ने देखा कि स्त्री का जीवन मशीन की नाई न हो, उसको भी कभी कभी स्वतंत्रता मिले ताकि वो एकांत में अथवा सत्संग में जा सके, अपने को पूरा दिन फ्री महसूस कर सके। तो रांधण छठ को बना लिया और सातम को खा लिया, सावन की सातम।
फिर सातम को ठंडा ठंडा खाया, मीठा मीठा खाया, कहीं भारीपना ना हो जाए, आठम को उपवास करा दिया और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी रामनवमी आई तो कभी अष्टमी आई, कभी नौरते आए तो कभी गणेश चतुर्थी आई, तो कभी सिंधी भाइयों का असी निमाणा है बनियाणा, दुलह तुझे दरते बिकाणा, करी भलायूं बाल, आयो लाल झूले लाल आयो लाल। एक्यूप्रेशर होता है, भाव शक्ति का विकास होता है। हर महीने दो महीने ऐसे त्यौहार आते हैं, इसलिए हमारा सोशल जीवन भी कुछ एक दूसरे के निकट आता है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। बात रही कि बहुत भगवान क्यों, जयराम जी की, भैया भगवान तो एक है, एको देव सर्वभूतेषु गुणाकेश, लेकिन जिसके अंतःकरण में वो भगवत तत्व प्रकट हो गया वो भगवान। सो जाने जासुदेहु जनाही, जानत तुम ही हो जाई, जो उसको जानता वही रूप हो जाता है। कम से कम उन लोगों को मैंने ये कहा कि आपको इतना तो अकल लड़ानी चाहिए कि गणपति भगवान कैसे प्रकट हुए। सुन लो कथा, माँ पार्वती ने योग बल से बालक की रचना की, बालक को आज्ञा दे दी कि मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी पुरुष को अलाव मत करना। भारत के सपूत ने शिवजी जैसे से टक्कर लेना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी सेवा का त्याग करके पलायनवादिता नहीं दिखाई, जयराम जी बोलना पड़ेगा। और शिवजी तो शिवजी हैं, उन्होंने त्रिशूल से उनका सिर उड़ा दिया। जब परिस्थिति का पता चला तो शिवजी ने कहा कि जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ, और हाथी का सिर अपने बेटे पर रख दिया। तो सर्जरी की कितनी ऊंची कल्पना है कि मनुष्य का धड़ पर मनुष्य का सिर तो लगा सकते हैं, लेकिन पशु का सिर भी संकल्प बल से मन मनुष्य के शरीर पर, देवता के शरीर पर लग सकता है। ऐसा देवाधिदेव महादेव भारत का योगी मौजूद है भारत में, ऐसा समझना चाहिए था तुमको। हर जगत में देखा जाए गणपति को पहले पूजते, गणामनाम पति थी गणपति, जो गण का अग्रगण है, जो कुटुंब का, समाज का, किसी संगठन का अगवा है, उसको कैसा रहना चाहिए, ये श्री गणपति की मूर्ति से प्रेरणा मिलती है। कुछ देव दर्शन देकर, कुछ देव उपदेश करके हमें प्रेरणा देते, लेकिन गणपति का श्री विग्रह ऐसा है कि उनकी आकृति से ही हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। गणपति जी के कान बड़े बड़े हैं, सुपड़े जैसे। माइयाँ जब सुपड़े में धान डालती थी तो सार सार रखती थी और कंकड़ और कचरा निकाल देती। ऐसी जो अगवा है, सुने सब की, लेकिन सार सार रखे और बाकी का कचरा पट्टी उतार दे, फेंक दे, ये गणपति संकेत देते हैं, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, गणपति जी की सुंड लंबी है, अर्थात जो कुटुंब का, पार्टी का, समाज का, किसी गुट का अगवा है, उसको दूर तक की गंध आनी चाहिए, जयराम जी की खबर सब उसके नॉलेज में बात होनी चाहिए। तीसरी बात, हाथी का शरीर के हिसाब से उसकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन धरती पे पड़ी हुई बारीक से बारीक चीज को वो देख लेता है। ऐसे जो अगवा है उसकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा अब। और चौथी बात यह है कि गणपति जैसा इतना विशाल काय देवता और उसको दे दिया चूहा, व्हाट इज दिस, ये कैसे। अरे भैया, ये इसलिए है कि कभी न कभी ये कैसे करके किसी महापुरुष से पूछने का अवसर मिल जाए, जिज्ञासा हो जाए। तुम इतनी मूर्ति पूजा में ही मंडारते न रहो, मूर्ति के पीछे अमूर्त का ज्ञान देने वाले गुरुओं के द्वार तक तुमको पहुंचने का अवसर मिले, इसलिए व्यवस्था है। ताली बजाओ तो होलसेल में, परचूरण धंधा नहीं करते हम। नारायण हरे, नारायण हरे। गणपति का वाहन है, सवारी है चूहा, अर्थात जो समाज का अगवा है, कुटुंब का, किसी गुट का अगवा है,
उसका सवारी चूहा एकदम छोटा, अर्थात समाज में या वातावरण में छोटे से छोटा प्राणी भी अपने काम में आता है तो उसको रख लो। बड़ा आदमी किसी के बिल में नहीं जा सकता, लेकिन चूहा तो हर घर के बिल में घुस जाता है। ऐसे ही सब विचारों में और सब परिस्थितियों में जो प्रवेश कर जाए, ऐसा आपका व्हीकल होना चाहिए, ऐसे आपके निकटवर्ती लोग होने चाहिए। फिर गणपति के हाथ में, एक हाथ में तो लड्डू और फिर दूसरे हाथ में डंडा भी, तो जो प्रेम से, श्रद्धा से, तत्परता से संस्कृति के तरफ चलते हैं उनके लिए वो तो मोदक प्रिय मोदक दिखाते हैं, लेकिन जो सीधे साधे आदमियों को सताते और कई बार सीधे आदमी अच्छाई से चलते हैं तो लोग उनको बुद्धू मानते, उनको भगतना मानते, उनकी मजाक करते हैं। इसलिए गणपति जी डंडा और कभी कभी वक्र तुंडम करके ऐसे लोगों को सावधान करते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति सज्जन हो सकते हैं, सहिष्णु हो सकते हैं, लेकिन कायर या बेवकूफ कभी नहीं हो सकते हैं। हरे ओम मां, 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 हरे ओम। रहियाना तैयब, अब्बास तैयब की बेटी, हम उसको धन्यवाद देते हैं। अब्बास तैयब गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में के एक थे। रहियाना तैयब को ले गए गांधी जी का प्रवचन सुनने को, और रहियाना तैयब को जो रंग लगा महाराज, उस रंग रंग में रहियाना तैयब रंग गई। मदन मोहन मालवे जी और कोई पत्रकार रहियाना तैयब से मिलने गए। उस समय रहियाना तैयब श्री कृष्ण की पूजा में मशगूल थी। पूजा के रूम से जब बाहर आई तो उसने चरणामृत दिया अतिथियों को, खुद चरणामृत पिया, जय श्री कृष्ण बोलकर उसने बात का सिलसिला शुरू किया। तो वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा और मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा कि तुम मुसलमान लड़की और कृष्ण की भक्ति के में ऐसी रंग गई, इसका क्या कारण है, ये हम पूछने आए। रहियाना तैयब ने कहा कि मेरे अब्बा जान के साथ में एक बार गांधी जी का प्रवचन सुनने गई, गांधी जी ने मुझे ऐसा प्रभावित कर दिया गांधी जी के प्रवचन ने। गांधी जी अपने प्रवचन के दौरान में कह रहे थे कि मुझे दूध पिलाकर पुष्ट करने वाली माता तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में चली गई, लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ जूझते हुए भी मैं चैन की अगर नींद कर सकता हूँ तो वो गीता माता का अमृत पान करता हूँ, उस गीता के गोद में रोज जाता हूँ, इसलिए मुझ में आत्मबल है, दृढ़ता है। ऐसा कहकर मोहनलाल करमचंद गांधी ने गीता की महिमा बताई। मैंने गीता मंगाई, मैंने गीता पढ़ी, इसमें किसी मजहब की निंदा स्तुति नहीं है, किसी धर्म पंथ की निंदा स्तुति नहीं है, लेकिन इसमें हर शंका का समाधान है और इंसान जात फायदा उठा सके ऐसी बातें हैं। तो मुझे गीता बहुत अच्छी लगी और गीता में हर शंका का समाधान मिलता है, और कभी कभार हमारा मन बहिर्मुख होता है तो समाधान न मिलने पर मैं गीता पढ़ते पढ़ते रात को सो जाती हूँ और गीता सिराने रखती हूँ, तो तुम्हारा कन्हैया सपने में दीदार देकर मेरी शंका का समाधान कर देता है, भला ऐसे अल्लाह को छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो 1986 की बात, वहां के कोई भारतीय संत का संग मिलने से उसको गीता के प्रति रुचि हुई। गीता पढ़ने से वो गीताकार की जन्मस्थली देखने को आया भारत, और बाद में ट्रूडो ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन करके एकांत में अपना जीवन यापन पसंद किया। ट्रूडो लिखता है कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजली पढ़ा और सब पढ़ा, लेकिन गीता ने तो कमाल कर दिया। मिस्टर ट्रूडो लिखता है,
कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी. ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का ये धर्म ग्रंथ है महाराज. तो भारतीय संस्कृति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कानपुर वासिना भवंतु सुखीना, अथवा दिल्ली वाले सुखी हों, भारत वाले ही सुखी हों, नहीं. सर्वे भवंतु सुखीना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवंतु निरामया. तो ये भारतीय संस्कृति की विशालता और भारतीय संस्कृति का जो वैदिक परंपरा का वांग्मय अमृत है वह श्रीमद् भागवत में एकत्रित किया गया है. जय राम जी की. श्रीमद् भागवत आयुष, आरोग्य, पुष्टि, पुण्य और सुख को देता है. यहां तक कि दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से पुण्य फल को प्राप्त हो जाते हैं. एक जगह पर वर्णन आता है कि कुत्ते का मांस खाने वाला इतना गिरा हुआ व्यक्ति भी भागवत कथा से पवित्र और पावन हो गया. आने वाले दिनों में हम गीता और भागवत का अमृत पान करेंगे. आज रात को आप भोजन नहीं करना और नींद मत करना. बोले बाबा जी अदका दी, भोजन भी न करे नींद भी न करे कि ना? भोजन मत करना, जब भोजन आ जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाना जो तुम्हारी दिल की धड़कने चला रहा है. जय राम जी की. भोग ठाकुर जी को लगाओगे पेट तुम्हारा भरेगा, चबा चबा कर थोड़ा सा प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा देना, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा. रात को सोते समय आप स्नेह करते हुए अपने इष्ट देव को प्यार करते करते लेट जाना, वो आपकी नींद नहीं आपकी भक्ति हो जाएगी. कल सुबह आप नींद में से उठे तो तुरंत संसार की ओर, चाय की ओर मत देखना, इधर उधर मत देखना. नींद खुले तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख न खुले. आंख खुल भी जाए तो फिर बंद कर देना और शरीर को बराबर 2 मिनट खींचना, जिससे आपकी आत्मशक्ति थोड़ी विशेष आए. शरीर को 2 मिनट ढीला छोड़ देना, जिससे आपके शरीर में जहाँ घिसाव है, जहाँ कमजोरी है, वहाँ वो जीवन शक्ति अपना काम करे. फिर 2 मिनट शांत होकर बैठना और आखिरी 2 मिनट जोर से हंसना, क्योंकि 4 दिन हरि कथा मिलेगी, हम प्रसन्नता पापा के परमात्मा के रस को जगाएंगे, ये संकल्प कर लेना कल सुबह. गीता का एक श्लोक उच्चारण से, हरि नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है. गीताया श्लोक पाठे न, गीताया श्लोक पाठे, आप सब बोलिएगा, गीताया श्लोक पाठे न, गीताया गोविंद स्मृति कीर्तनाथ, गोविंद स्मृति कीर्तनाथ, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थ कोटि फलम लभे, तीर्थ कोटि फलम लभे, हरि हरि नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न वै, योगिनां हृदये न वै, मदभक्ता यत्र गायन्ति, मदभक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः. हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, गोलोक और साकेत लोक में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त मिलकर कीर्तन सत्संग करते हैं, नारद में उनके हृदय में ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, प्रेमा भक्ति रूप से प्रकट होता हूँ.